सो गाइस आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं आईक्यू के 9T डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग का यूज कैसे कर सकते हैं। गाइस ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग है रियली काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपका फोन लॉक्ड हो जाता है तो कुछ टेम्पलेट मिलते हैं ऑफ स्क्रीन एनिमेशन के, तो इन टेम्पलेट्स को आप सेट कर सकते हो लॉक स्क्रीन पर। जैसे कि आपका फोन लॉक हो गया, स्क्रीन बंद हो गई तो स्क्रीन पर दिखाई देता है, काफी इंटरेस्टिंग लगता है। यू नो गाइस एक बार डेफिनेटली आप ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो है इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। अभी चलो डेमो करते हैं और दिखाते हैं कैसे इसको सेट करना है हमें अपने डिवाइस के अंदर। वेल गाइस फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें सेटिंग्स को ओपन करना होगा जो हमने ऑलरेडी ओपन करा है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। इसमें एक सेटिंग्स मिलती है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर। मोस्टली क्या होता है कि जितने भी लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स होते हैं इसके रिकॉर्डिंग सेटिंग्स आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर ही देखने को आपको मिलती है। एक बार आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ इस तरह से इंटरफेस आएगा। राइट कॉर्नर में आप देखेंगे तो एक ऑप्शन होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, अदरवाइज एक बार सर्च बार में टाइप करके देख लेना, मे बी शायद नहीं आता है सर्च करने से, लेकिन आप यहाँ पर आके इसको ओपन कर सकते हैं। इसको प्रेस करना, ये है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। हालांकि करंट टाइम पे हमारा जो ऑफ है ये वाला सेटिंग्स, हम इसको पहले टर्न ऑन करेंगे यहाँ से कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ AOD स्टाइल्स करके एक ऑप्शन है, इसके कुछ स्टाइल्स इसके अंदर मिलते हैं जिसको हम टेम्पलेट्स भी बोल सकते हैं। ये है इसके टेम्पलेट्स एंड ये अभी करंट टाइम में हमारा डिजिटल क्लॉक वाला टेम्पलेट सिलेक्टेड है। मींस कि जब भी हमारी स्क्रीन बंद होगी तो हमारे पास एक क्लॉक का साइन दिखाएगा, उसमें डेट एंड टाइम दोनों दिखाता है। और नीचे देखेंगे पर्सनलाइजेशन स्टाइल्स है और यहाँ पर सेंसोरी का क्लॉक है, जैसे कि मतलब चांद वगैरह उसके साथ आता है, तो ये सब चीज़ें और भी बाकी डिजिटल क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक्स है, तो ये सारे क्लॉक्स के स्टाइल है। बाकी विजिट्स जो आपको ये सब देखने को मिले लाइक कह सकते हो टेम्पलेट, ये काफ़ी यूनिक है गाइस, इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग है। अगर एक बार हम इसको ट्राई करें अप्लाई करके एंड इसकी स्क्रीन को बंद कर देते हैं, अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा स्क्रीन पे कहीं टच करेंगे तो ये आ जाएगा। हालांकि भी काफी डिम डिस्प्ले के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जाके आप इसको ट्राई करके अपने फोन के अंदर अप्लाई कर पाएंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। और डिस्प्ले मोड भी मिलती है, इसमें भी आप आगे बहुत सारी चीजें कर सकते हो लाइक शेड्यूल डिस्प्ले कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है। सो आई थिंक आप समझे होंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज कैसे करना है आईक्यू के 9T डिवाइस के अंदर।